हमारे जैसे लोग हाथ पे लाते पान पे खाते, हम कैसे जिएंगे। हमारी एक योजना आ रही है, हम हर गरीब महिला को 1,00,000 रुपए दें साल। कैसे हो? राहुल गांधी हमारे घर पे अचानक ही आए, हम तो देख के चौंक गए थे, राहुल गांधी कैसे अचानक आए, फिर हमने उनका स्वागत करा। क्या करती हो? बर्तन कपड़े करती हूँ। अच्छा, एक घर में करती हो या चार पांच घर में? तो कब निकलती हो, कब वापस आती हो, थोड़ा बताओ मुझे। सुबह 9 बजे निकलती मैं, तो शाम को 4-5 बजे आती घर। कोरोना में क्या किया आपने? कोरोना में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, खाना वही खाया था। और लोगों से मिले थे? हाँ, मिलते, बर्तन करने जाते थे, बर्तन कपड़े करने। तो कोरोना नहीं हुआ आपको? नहीं, कोरोना वाले के कपड़े भी धो देते थे हम लोग, बस कुछ नहीं हुआ। हम आदिवासी ना, आदिवासी को नहीं होता? नहीं। क्यों नहीं होता? नहीं होता। अरे होता, भगवान है, हाँ भगवान है हमारा। हम छोटे छोटे थे जब इधर आते थे ना, GDB कॉलेज के ग्राउंड पे। अच्छा, उधर जाते थे हम देखने के लिए। कभी मिली उनसे? मिली ना, दूर से देखते थे ऐसा, हम छोटे छोटे थे। अच्छा, और इधर खान बारे को आते थे जब भी जाते थे आप। अच्छा, आपकी महीने की आमदनी कितनी होती है? मेरे कितने 8-9 हजार आते बस महीने का। महीने वो पुरता ही नहीं मेरे को तो। आपका कितना खर्चा है? ऐसे तो हिसाब नहीं लगाते, महीना भर का किराना उधार लाते उधार दे देते हैं। महंगाई बहुत हो जाए ली अभी, गरीब लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमारे जैसे लोग हाथ पे लाते पान पे खाते, तो हमारा हम कैसे जिएंगे। घर में अगर कोई बीमार पड़ा तो हमारे पास में पैसे नहीं रहते, तो हम काम वाले से उधार लाते फिर दवा खाना करते। और इधर सर ये भी बहुत लफड़ा रहता है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, वो भी नहीं बनता? जल्दी नहीं बनता। और हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं रहते ना, जो तो बोले उनके फादर के डॉक्यूमेंट लाओ, तो है ही नहीं। हमारे आदिवासी ज्यादा कोई पढ़ते नहीं है ना, तो फिर वो सर्टिफिकेट की बहुत दिक्कत है, इधर सर्टिफिकेट नहीं बनते, लोगों को नहीं मिले कास्ट सर्टिफिकेट। हमारी एक योजना आ रही है मैनिफेस्टो में, हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब महिला को 1,00,000 रुपए देंगे साल का। उससे क्या करोगी, फायदा होगा उससे? उससे कुछ होटल बीटल डाल लेंगे, दुकान जो घर में डाल सकते, ऐसा घर में गली के सबसे दूध वगैरह रखते, ठंडा बिंडा कुछ। उससे फायदा होगा? होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कम से कम 1,00,000 रुपए की कमाई सबकी होनी चाहिए। इसलिए हम वो योजना ला रहे हैं कि जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको साल का 1,00,000 रुपया सरकार देगी। और बताओ, और आप क्या कर रहे हो? मैं स्पोर्ट्स की तरह क्या 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 कर रहे हो? रनर। और ये रनिंग क्यों कर रहे हो? ये मैं पुलिस भर्ती आर्मी से ट्राई कर रहा था। अगर आप पुलिस में नहीं गए तो क्या करोगे? नहीं जाना तो पड़ेगा ही उसको। हाँ? जब ही शादी हुई ना इसकी तो। अच्छा, हमको वो घर जैसे लगने लगे थे। और ये इतने बड़े व्यक्ति है राहुल गांधी, यहाँ पे आए, कोई आमदार भी नहीं आया है हमारे को विचारने के लिए कि भाई तुम कैसे हो, क्या है, वोटिंग होती है जब आते, ऐसा कोई विचारने नहीं आया हमारे को। होना चाहिए। हाँ, फिर होना चाहिए। हाँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।